गजनी के लाइफ में क्या होने वाला है, गजनी का बेटा क्या करता है, कौन होगा गजनी का दुश्मन। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। एआर मुरुगदूस के थ्रू डायरेक्ट की गई 2008 की फिल्म गजनी ने लोगों को थ्रिल और एक्शन की दुनिया में एक नया करिश्मा दिखाया था। एआर मुरुगदूस ने इस फिल्म को हिंदी में बनाने के लिए उसके राइट्स खरीदे थे। इस फिल्म को 25 दिसंबर को रिलीज किया गया था और एक बार फिर से मेकर्स इस फिल्म की सीक्वल बनाने जा रहे हैं, जिसमें मेकर्स फिल्म की कहानी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। फिल्म गजनी में आपने देखा होगा कि कैसे आमिर अपना बदला लेते हैं। फिल्म गजनी के मेकर्स एक बार फिर से फिल्म गजनी की सीक्वल बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम गजनी 2 होने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिल्म गजनी 2 में फिल्म की कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा, जहां हमें ये देखने को मिलेगा कि अब गजनी में कितना बदलाव आ चुका है। गजनी अब अपने बेटे के साथ रह रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि गजनी का बेटा कहां से आया, तो हम बता दें कि फिल्म गजनी में गजनी जिस लड़की को बचाता है उससे उसकी शादी हो जाती है, जिसे उससे एक बेटा होता है, लेकिन कुछ इश्यूज के कारण उसकी मौत हो जाती है। फिल्म गजनी 2 में आगे हमें ये देखने को मिलेगा कि गजनी अपने बेटे के साथ एक महाभारत के प्ले में पार्ट लेता है, जहां पर वहां के मिनिस्टर भी आने वाले थे। महाभारत के बीच में जब मिनिस्टर आए और स्टेज पर चढ़े, तभी स्टेज के पीछे लगा हुआ बड़ा सा बैनर उनके ऊपर गिरने वाला था, जिससे गजनी रोकने की कोशिश करता है और तभी गजनी का बेटा उस मिनिस्टर को जल्दी से वहां से निकाल लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों को थैंक यू कहता है और साथ ही कुछ पैसे भी देने लगता है, लेकिन गजनी मना कर देता है। इसके बाद शाम को वो जब घर जाता है तो कुछ लोग उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं और उससे एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर एक ऑपोजिशन पार्टी का लीडर रहता है, जो कि रावण के ड्रेस में होता है, और वहां पर वो रावण की कुछ लाइंस को याद करके अच्छे से बोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो सब गुंडे गजनी और उसके बेटे को उसके पास से लेकर जाते हैं और गुंडे उसके बेटे के गर्दन पर चाकू रख देते हैं, जिसके बाद गजनी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ते हैं और गजनी को मारने लगते हैं। फिर भी गजनी रिक्वेस्ट करना नहीं छोड़ता है और वो मिनिस्टर कहता है कि वो उसे छोड़ देगा अगर वो स्क्रिप्ट को बिना रुके पढ़े, तो जिस पर वो कोशिश करता है लेकिन अच्छे से नहीं बोल पाता, क्योंकि वो अपने बेटे के सामने अटक अटक के बोलता है। वहीं दूसरी ओर गजनी का बेटा रोते रोते बेहोश हो जाता है, जिसके बाद गजनी को जब गुंडे मारने आते हैं तो वो उन्हें रोक देता है और उन पर हावी हो जाता है। वो उस स्क्रिप्ट के लाइंस को बेधड़क बोलने लगता है, जिसे देखकर वो सब आश्चर्य हो जाते हैं, जिसके बाद ऑपोजिशन पार्टी का लीडर जब उससे पूछता है कि वो कौन है, तो वो सब स्क्रिप्ट की लाइंस सुनाता जाता है, जिसका मीनिंग था कि रावण हूँ मैं और मेरे से बड़ा और ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। उस स्क्रिप्ट में बस रावण की ही प्रशंसा लिखी हुई थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसने सभी गुंडों को धूल में मिला दिया, जिसे देखने के बाद उस लीडर को डर लगने लगा और वो उससे बचता हुआ भाग रहा था, जिसके बाद गजनी ने उसका पीछा किया और उसे भी मारा। उसके बाद गजनी अपने बेटे को घर ले जाता है, जहां उसे होश आता है और वो पूछता है कि उन्होंने उन्हें क्यों और कैसे छोड़ा, तो गजनी कहता है कि उन लोगों को पता चल गया था कि वो जिसे ढूंढ रहे थे वो हम नहीं है, इसलिए हमें छोड़ दिया, जिसके बाद ऐसा ही कुछ दिन और बीत गए। लेकिन इससे पहले वाली फिल्म की सीरीज में गजनी ने जिसे मारा था उसका भी लीडर था, जो कि कभी किसी के सामने नहीं आता था, लेकिन उसकी मौत के कारण उसे सामने आना पड़ा और ये सब गजनी के कारण हुआ, इसलिए जो गजनी से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने उसका पता करवाया और उसके बेटे को किडनैप कर लिया, जिसके बाद गजनी को कहा कि वो यहाँ आ जाए वरना अंजाम बुरा होगा, जिसके बाद वो वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि उसके बेटे को उन लोगों ने एक चारपाई पर बैठाया हुआ है और उसके चारों साइड गुंडे पिस्तौल लेकर खड़े हुए हैं। इसे देखने के बाद वो उन लोगों को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस बच्चे को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानते हैं और उसके बच्चे को रूम में बंद कर देते हैं। गजनी का बेटा एक खिड़की से सब कुछ देखने का ट्राई करता है, जहां पर उसे दिखता है कि उसके पापा को कोई मार रहा है। वो दौड़ता हुआ दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा पीटने लगता है।
और जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है, गजनी उन गुंडों को मारने लगता है। और जैसे ही उसका बेटा खिड़की के पास जाता है तो वो ऐसा शो करता है कि गुंडे उसे मार रहे हैं। ये ऐसे ही चलता रहा। उसका बेटा बेचारा कभी खिड़की तो कभी दरवाजे के पास जा रहा है। वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके फादर को छोड़ दे। बहुत देर के फाइट के बाद गजनी दरवाजा खोलकर अपने बेटे को निकालता है और ऐसा शो करता है कि जैसे उन लोगों ने उसे छोड़ दिया, और लास्ट से थैंक यू साहेब कहकर जाता है। उसके दुश्मन सभी बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो बेचारे बन गए थे उस लड़ाई में। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं जहां गजनी अपना इलाज करवाता है। उसी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर भी मौजूद थे जिन्होंने पहले गजनी को देखा था। वो गजनी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो अभी कैसा है और ये कौन है, जिस पर वो कहता है कि ये मेरा बेटा है और मैं ठीक हूँ, आप बताइए। वो भी कहते हैं कि वो अच्छे हैं। गजनी को अंदर बुला लिया जाता है जहां वो डॉक्टर से मिलते हैं और वहां पर उनके चोट को क्लीन एंड ड्रेसिंग की जाती है, जिसके बाद वो घर जाते हुए अपने और अपने बेटे के लिए खाना ले जाता है। घर पहुंचने के बाद उसका बेटा पूछता है कि आखिर वो सब गजनी को ही क्यों परेशान कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि अब ऐसा और कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उन लोगों से प्रॉमिस लिया है और उन्होंने इस बार प्रॉमिस किया है कि इस बार वो कोई भी गलती नहीं करेंगे। जिसके बाद रात में जब उसका बेटा सो जाता है तब गजनी बाहर जाता है और अपने दुश्मनों को मारने के लिए कुछ प्लान करता है और फिर उसे मारने के लिए चले जाता है। वहां जाने के बाद वो धीरे धीरे करके सभी गुंडों को मार देता है और उन सभी के लीडर के पास चले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, कि आप लोग मेरी जिंदगी में वापस कभी नहीं आओगे। जिसके बाद वो अपने घर चले जाता है और वो देखता है कि उसका बेटा जागे हुए रहता है। वो उससे पूछता है कि आप कहाँ गए थे, जिस पर वो कहता है कि उन्होंने अपना कपड़ा बाहर डाला था तो अंदर आया तो वो उसे ही देखने गए थे, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वो अंदर के कारण उड़ गया। वो इसलिए कुछ दूर और आगे तक गए ताकि उसे ढूंढ पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उन्हें वो नहीं मिला। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं और अगले दिन सब पहले जैसा ही था और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म की स्टार्टिंग तो ऐसी होगी, लेकिन फिल्म की क्लाइमेक्स में हमें इस बार पहले से ज्यादा एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। साथ ही मेकर्स इस बार फिल्म में VFX और नए इन्वेंशंस का भी यूज करते नजर आ सकते हैं। अब देखना यह है कि आखिर गजनी 2 कितना कमाल और धमाल मचाती है। आपको क्या लगता है, गजनी 2 ब्लॉकबस्टर हिट साबित होगी या नहीं? आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिल्म गजनी 2 और उससे जुड़ी कोई भी न्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दे। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो होता है यही एंड, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको एंटरटेन कर पाए होंगे और आपने वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर भी कर दिया होगा।